दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत से दक्षिण पूर्व मानसून खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे ठंड की दस्तक हो रही है, जिसके चलते लोगों को सुबह और शाम को थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में ठंड के आने के संकेत न्यूनतम तापमान के जरिए मिल रहे हैं, जो कि 17 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं तटीय क्षेत्रों यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मौसम विभाग ने इलाकों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। शुक्रवार तक चेन्नई के लोगों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है, इसलिए अगले दो दिन लोगों के लिए चुनौती भरे होंगे। इंद्रनगर में लास्ट 20 ईयर से रोड का टारो ये सभी बराबर नहीं डाला, फिर ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं इधर, फिर अभी देखो ये सभी वाटर ड्रेनेज वाटर है ना, गलीज वाटर किधर जाता है, वो पानी पीने का पानी का अंदर जाके ये होता है, बहुत मुश्किल होता है। सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं, फ्लाईओवर के नीचे बस, ट्रक, कार सभी किनारे चलने को मजबूर हैं, यात्री स्टैंड बारिश के पानी की जद में, शहर की निकासी ठप हो गई है। क्या नगर निगम, क्या सरकार के ड्रेनेज सिस्टम, सबकी पोल खुल गई है। कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे पानी को मोटर की सहायता से निकाला जा रहा है। बारिश के सैलाब के बाद जिंदगी की रफ्तार रुक सी गई है, गाड़ियां जहां की तहां फंस गई हैं, स्कूल, ऑफिस, अस्पताल जाना दुश्वार हो गया है, थैली, रेड़ी, पट्टी सब पानी का सैलाब बहाकर ले गया। चेन्नई, तमिलनाडु के रिहायशी इलाकों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, शहर में यातायात पर संकट मंडराने लगा है। तमिलनाडु सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने 219 नावों को तैयार रखा है, ताकि बारिश की स्थिति बेकाबू होने पर लोगों को फंसी जगहों से आसानी से निकाला जा सके और सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। 300 से अधिक राहत शिविर तैयार कर लिए गए हैं। 15 सीनियर आईएएस अधिकारियों को बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में तैनात करने की बात कही गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के मजबूत होते ही तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। पश्चिम गोदावरी, तिरुपति समेत राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है और मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई से हम आपको बारिश का पूरा अपडेट बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।